हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। तो आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 में से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एंड सम एंड प्रोडक्ट्स इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको बनाना है और यहाँ पर दिया क्या है आपको, तो यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दिया गया है। तो ये क्या कर कैसे करते हैं, तो इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम किया था, मतलब फर्स्ट जो प्रॉब्लम था हमारा, उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया गया था और उसमें से आपको जीरो निकालना था। तो यहाँ पर उसका उल्टा है, मतलब यहाँ पर आप सम और प्रोडक्ट के जीरोज भी दिए गए हैं और आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तैयार करने को बोला है। देखेंगे कैसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, अभी इसको दो मेथड से किया जा सकता है, तो दोनों मेथड देखेंगे हम कि तो कौन सा आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं बस। तो यहाँ पर पहले किसका नाम लिया है, पहले आपका सम का नाम दिया है और बाद में प्रोडक्ट का नाम लिया है। तो सम ऑफ द जीरो हमारा पहला नंबर होगा और दूसरा जो नाम लिया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो दूसरे नंबर पर है हमारा 1/3, तो ये हमारा प्रोडक्ट का नंबर होगा। ओके, तो लिखेंगे फर्स्ट मेथड सम ऑफ द जीरो पहले लिखेंगे, तो सम ऑफ जीरो माइनस बी ओपन ए, तो माइनस बी ओपन ए लिखेंगे। ओके, तो अभी ये हमको मालूम है कि ये सम ऑफ जीरोज है, पर इसके नीचे तो कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर देखो नीचे है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, नीचे भी डिनोमिनेटर लेना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर वन लेंगे। ओके, तो क्या होगा, रूट टू अपन वन हो जाएगा। ओके, तो रूट टू अपन वन हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी तो माइनस में है और यहाँ पर तो माइनस नहीं है, तो ये माइनस इधर ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं तो ऐसे समझिए कि टू इसको मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, माइनस रूट टू हो जाएगा। ओके, तो वही करेंगे हम, इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो नीचे का प्लस ही रहेगा, इसका साइन प्लस में है तो इधर भी प्लस ही रहेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई किया हमने, तो अभी रूट टू माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस रूट टू आ जाएगा। ओके, अपॉन वन, ये देखो हमारा आ गया माइनस टू अपॉन वन, माइनस रूट टू अपॉन वन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लिखेंगे, पर इसके पहले यहाँ पर दो लाइन रखिए। ओके, दो लाइन क्यों रखना है बाद में बताता हूँ मैं। ओके, तो हर एक बार जब ये प्रॉब्लम करेंगे आप, तो सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, उसका आंसर आएगा, उसके नीचे दो लाइन रखिए और बाद। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी ओपन ए। ओके, तो सी का नंबर क्या है देखेंगे, यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का है, तो यहाँ पर सी की जगह पर वन लिखे ध्यान से, तो पहली बार भी हमने देखा था वैसे ही देखिए। यहाँ पर देखिए ए का जो है नंबर वो थ्री है और यहाँ पर कितना है, वन है। ओके, तो दोनों अलग अलग नंबर है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पर एक ही नंबर होना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, ये नंबर इधर आना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थ्री वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगा अभी। ओके, और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट टू को भी थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखेंगे क्या होता है। तो ये देखिए मैंने वन और थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में रूट टू को भी अभी थ्री मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये देखो रूट थ्री को भी मल्टीप्लाई किया, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू माइनस रूट टू, और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा सिक्स हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होता है, ये जब भी रूट रहता है उसको जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में तो क्या होता है, इसको रूट है इसको रूट नहीं है, तो रूट और रूट मल्टीप्लाई हो सकता है, पर रूट और सिंपल सादा नंबर प्लेन नंबर जब रहता है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कैसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पर देखो मिक्स नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर जो है वो बाहर रह जाता है और टू जो है उसके साइड में आ जाता है। ओके, ऐसे आ जाता है। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। तो जब भी मल्टीप्लाई आपको रूट को करना है तो यहाँ पर भी रूट रहना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही लिखेंगे, नंबर बाहर लिखेंगे और उसके साइड में रूट लिखेंगे। ये कौन सा भी नंबर हो सकता है, फाइव इधर हो सकता है, इधर दस हो सकता है, तो दस इधर लिखने का और इधर फाइव लिखने का ऐसा, तो रूट और ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि थ्री बाहर रह जाएगा, तो माइनस थ्री रूट टू हो जाएगा और नीचे का थ्री वन जा थ्री हो जाएगा। ये देखिए माइनस थ्री रूट टू हो गया और नीचे का थ्री वैसा का वैसा हो गया। ओके, तो अभी आपको पता चला यहाँ पर मैंने दो लाइन क्यों रखने को बोला था, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमको करना था, इसलिए हमने ये दो
लाइन रखने के, ये हमेशा आपको दो लाइन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नंबर है वो इधर भी नीचे हमको लाना है, क्योंकि ए और ए का अलग अलग नंबर नहीं हो सकता, एक ही नंबर रहता है ए का, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इधर पे एक ही नंबर है इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो नंबर होता तो हम एलसीएम निकालना पड़ता था। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया, बी का भी नंबर आ गया, ए का भी नंबर आ गया, सी का भी हमको नंबर आ गया। तो अभी अगला स्टेप क्या है, हाँ, जनरल इक्वेशन में डालने का और बाद में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में दिखाने का, तो वही करेंगे। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो लिखेंगे। उसके बाद अभी हमको सिर्फ यहाँ पर डालना है नंबर। तो ए मतलब क्या है, ए मतलब 3 है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उस बी एक्स क्या है हमारा, तो बी का आंसर तो -3√2 है, तो वो लिखेंगे यहाँ पर और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट डाला इधर, फिर बाद में उसको ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया। ओके, और प्लस क्या है, सी का आंसर लिखना है, तो सी का आंसर क्या है, सी का आंसर यहाँ पर 1 है, देखो सी का आंसर 1 है, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे, =0। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हो गया। अभी हमको ये सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जाएंगे तो ये 3x मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस और माइनस, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा साइन, सो -3√2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक्स है तो एक्स इसको मल्टीप्लाई होगा, तो -3√2x हो जाएगा, एक मिल जाएगा, और बाद में +1, तो +1 वैसे ही लिखेंगे। ओके, तो ये देखो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखना है, इसलिए हम =0 नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। ओके, तो इसका भी दूसरा मेथड भी देखेंगे हम, सेकेंड मेथड। तो दूसरा मेथड में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सम ऑफ जीरोस में कन्वर्ट किया हुआ फॉर्मूला रहता है, तो वो हम पहले डालेंगे। ओके, देखेंगे कैसे रहता है वो फॉर्मूला। तो ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस =0, तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो इसमें अभी डाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट डालेंगे एक्स स्क्वायर का आंसर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ओके, उसके बाद माइनस लिखेंगे, ऊपर के देख कर हम नीचे लिखेंगे, सो माइनस लिखेंगे। उसके बाद सम ऑफ जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या है, पहला नंबर मतलब सम ऑफ जीरोज, तो 2√2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो नीचे क्या लेते हैं, अभी आपको मालूम हो गया, नीचे हम 1 लेते हैं, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, सो √2/1। उसके बाद एक्स है, तो एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट के टच करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा। उसके बाद प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा दूसरा नंबर रहता है, तो दूसरा नंबर लिखेंगे। उसके बाद =0 है, तो उसे लिखेंगे =0। अभी क्या करेंगे हम, अभी यहाँ पर हमको नीचे का, हाँ पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ब्रैकेट है वो पहले छुड़ाएंगे। ओके, तो पहला तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर सब जगह पर डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। ओके, कॉमन नहीं निकाल सकते हम। ओके, मेन हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमको निकालना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो नीचे नंबर नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लेन नंबर लेने के लिए नीचे का जो भी नंबर है डिनोमिनेटर, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, तो वो सब जगह पे डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, तो लिखा एक्स स्क्वायर ओपन हुआ। अभी क्या करेंगे, अभी इसका एलसीएम लेना है समझो, तो सब जगह पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, देखो हर जगह पे 3 होना चाहिए। तो कैसे 3 आएगा, तो 3 आने के लिए यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये हम एलसीएम निकालते हैं, पर इधर एलसीएम क्यों निकालनी, यहाँ पर एलसीएम क्यों नहीं निकाल रहे हम, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट ही नंबर है, तो सिंगल डिजिट का एलसीएम वही आता है, तो इसलिए हम वही लिखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तब यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो नीचे लिखा है इसलिए ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो ये देखो एक्स मल्टी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया हमने, उसके बाद नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो गया, देखो माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे, सो माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अभी माइनस इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस,
और माइनस रूट टू बन जाएगा। माइनस टू रूट बनने के बाद अभी फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये भी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस रूट टू एक्स हो जाएगा। ये अभी माइनस रूट टू एक्स हो जाएगा अपॉन वन, तो अपॉन वन है तो नीचे क्या होगा, फिर से हमको एलसीएम लेना पड़ेगा तभी भी वो सेम होगा ना, नीचे हमको सब जगह पे एक ही नंबर करना है। तो यहाँ पर थ्री कैसे होगा, वन थ्री ज़ा थ्री करना पड़ेगा तभी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये देखो, ये हमारा हो गया माइनस रूट टू एक्स अपन वन। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री करना पड़ेगा तभी ये नीचे हमारा कॉमन हो जाएगा, तीनों जगह पर डिनोमिनेटर हमको कॉमन करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे नीचे, तो नीचे मल्टीप्लाई किया इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा बाद में। ठीक है, तो नीचे हमने मल्टीप्लाई थ्री किया और इसके वजह से ऊपर भी मल्टीप्लाई थ्री किया। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट नंबर में थ्री ऑलरेडी है तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ब्रैकेट के बाहर भी कुछ नहीं है, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस वन ओपन थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो प्लस लिखा और वन ओपन थ्री लिखा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद क्या करना है, अभी अभी ये सिर्फ हमको छुड़ाना है। देखो अभी आपको यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर देखो रूट टू और थ्री है तो क्या होता है, रूट टू और थ्री मैंने पहले बोला था, रूट टू और थ्री क्या होता है, जब भी रूट टू हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सिंगल नंबर में तो क्या आता है आंसर, ये इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है तो थ्री बाहर रहता है और रूट उसके साइड में चला जाता है। ओके, उसको लगा कर हम रखते हैं तो थ्री रूट टू हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो ये हमको यहाँ पर डालना है। ओके, तो पहला नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री क्या आता है आंसर, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अपॉन थ्री नीचे बाद में, इसको अभी यहाँ पर आंसर आया देखो, तो इसको सिर्फ माइनस लगाना है हमको, सो माइनस थ्री रूट टू अपॉन थ्री, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और वन ओपन थ्री है तो वन ओपन थ्री लाएंगे इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बाकी का हम वैसा का वैसा नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर थ्री एक्स स्क्वायर ओपन थ्री आ जाएगा। उसके बाद माइनस थ्री रूट टू एक्स ओपन थ्री आ जाएगा, उसके बाद प्लस वन ओपन थ्री है तो प्लस वन ओपन थ्री हम वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पर भी हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी देखो नीचे वाला सबका सेम हो गया, देखो हमारा ये कॉमन हो गया है, तो कॉमन होने के बाद क्या करते हैं, हम सिंगल एक ही लिखते हैं नंबर और ऊपर का है वो साइन के सब हम लिखते हैं ऊपर, तो वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो नीचे हमने थ्री लिखा और ऊपर का नंबर साइन के साथ हम वैसा का वैसा लिखेंगे एक ही जगह पर, तो ये हमारा पूरा नंबर ऐसा लिख दिया हमने इक्वल्स टू अभी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नीचे का नंबर नहीं रहता है, तो ये नीचे का नंबर कैसे निकालेंगे, ये हम इस साइड में लेके जाएंगे, मतलब डिवीजन अभी यहाँ पर थ्री डिवीजन में है तो डिवीजन ये क्रॉस करेगा इज इक्वल टू, तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये देखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी थ्री ज़ीरो था ज़ीरो हो जाएगा और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, पर हमको इक्वेशन नहीं चाहिए, हमको क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो क्या करेंगे ये इज इक्वल टू ज़ीरो जो आएगा वो हम नहीं लिखेंगे। ओके, देखिए हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसके आगे का इज इक्वल टू ज़ीरो हम नहीं लिखने वाले, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो भी ख़त्म हो गया, अभी देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। थैंक यू।